गाइस, डीपी गोल ध्वनि याद है ना? याद है। 15 मिनट सोई थी मैं सिर्फ। एक बार हाथ पे आया है। खाना नहीं है। तो क्या करना? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आपने ट्रैवल व्लॉग्स देखे होंगे और आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। और ट्रैवल व्लॉग देखने तो इन सारे ट्रैवल व्लॉग्स पर 2020 के कर दो तो वापस से ट्रैवल व्लॉग आपको देखने मिलेंगे फिल विथ फुल फैमिली। और आज हमारे घर पे आई है शिबा दीदी और ध्वनि पूर्वी, और साथ ही साथ सुबह सुबह हिमायरा भी आ गई है, जो कि हिमायरा पूर्वी के साथ कर रही है मस्ती। देखो कैसा लगता है हिमायरा के साथ में? मजा आता है, पर तू धैर्य से मत कर देना हिमायरा को, प्लीज ना। क्या ये बोलो ना इसको। तो अभी हम सब जने उठ चुके हैं और साथ ही साथ अब अभी बन रहा है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मम्मी बना रहे हैं पोहे, तो चलिए चलते हैं किचन में और बच्चों को यहीं पर करने देते हैं मस्ती। शिवा जी आप क्या बना रहे हैं? चाय? हाँ शिवा जी यहाँ पे बना रही है चाय, यहाँ मम्मी ने बना दिए पोहे, और अभी पोहे खाएंगे। और चिकू अभी नमकीन भी लेके आ गए, क्योंकि नमकीन थी नहीं घर पे, इतने टाइम से थे नहीं घर पे, तो ये सारी चीज़ें हो गई है ख़त्म। और बहुत मज़ा आया, घूम के कैसा मज़ा आया है बताओ आप? बहुत अच्छा। वापिस जाना है? हाँ। वापिस से घूमने जाने की इच्छा हो गई है। ड्राइवर लोग देख के आपको भी हो रही होगी कहीं कहीं जाने की इच्छा, तो क्या? पर ड्राइवर साहब बहुत अच्छे थे, वहाँ बहुत मज़ा आया उनके साथ गाड़ी में। तो अभी सब जनों का हो रहा है नहाना धोना और सब जनों के ब्रेकफास्ट भी हो गया है। हिमायरा यहाँ पर खा रही है कैंडी। क्या खा रहे अभी तक? क्या खा रहे हो बताओ? कैंडी। किसने दिया? चाचा। चाचा ने थोड़ी दुआ, किसने दिया? शिबी बुआ। शिबी ने दिया? बुआ। शिबी बुआ। ये बुआ। ये खीम। ये खीम। निधि का पूर्वी अभी जस्ट नहा के निकले से, पूर्वी बड़ी शर्मा रही है। और अभी चिकू को मैंने ब्रेकफास्ट दिया है, चिकू कर रहे उधर, और उनके जेब में कल चॉकलेट रह गई थी, उस वजह से फोन पूरा खराब हो गया था। अभी जस्ट इन्होंने फोन बंद धोया है, दिखाती हूँ। चॉकलेट नहीं दिखा रही बेटा, ब्रेकफास्ट हो रहा है यहाँ पे, तो ब्लॉग के साथ ट्रैवल ब्लॉग देखते हुए। पर बहुत मजा आया था, शिवा जी कह रहे वापस चलो। अब याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, और एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, पर बारिश ने थोड़ा सा ही परेशान किया, कोई ज्यादा नहीं किया, पर बारिश में भी हमने बहुत मजे लिए। ऐसा नहीं है कि बारिश में हमने मजे नहीं लिए, बारिश में ओवर मजे लिए। और जो जाते जाते डर लगा, ओहो भयंकर, जाते जाते जो हमको जगह जगह पे जो पानी मिला है पुल के ऊपर से, और ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही थी ना हमारे पास, यानी उस टाइम पे कितनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब तड़ा के चली गई थी पानी में। और एक ब्रिज पर यूटर्न लिया। हाँ, एक ब्रिज पर तो यूटर्न लिया, वो शायद शूट नहीं किया ना, किया लेकिन इतना दिखा। हाँ, वो फिर उसी जगह पर, यानी नीचे की जगह भी ऐसी लग रही थी सारी ढह जाएगी, फिर पापा ने उसी जगह पर खड़े रह रह के पूरी गाड़ी मुड़वाई। पापा ने ये तो कह रहे थे ले लो। हाँ, पापा और भैया दोनों तैयार हो गए थे कि आगे ले लो कोई बात नहीं हो, यानी आगे से मुड़ा लेंगे ऐसा। बाकी ब्रिज पे जाने के लिए तो वो भी अग्री नहीं थे, पर मैं चिकूल सतीश जिया जी जय जिया जी हम सब जने बिल्कुल लट गए कि नहीं आगे गाड़ी लेनी नहीं है, रिवर्स लेके तुम भले मुड़ाओ, क्योंकि डर इतना लग रहा था वो पूरी जगह। और कोई था ही नहीं हेल्प के लिए, किसी को बुलाए तो भी किसको बुलाए, बड़ी दिक्कत हुई। मजा बड़ा आया। मैं ड्राइवर जोरदार। हाँ, ड्राइवर सब बहुत अच्छे थे भैया, इतने अच्छे, इतने कोऑपरेटिव और इतने फैमिलियर, यानी मज़ा ही आ गया। डूंगरपुर की गाड़ी थी और इतनी कंफर्टेबल गाड़ी, बिल्कुल थकान तो नहीं लगी है हमको, आगे एक परसेंट भी थकान नहीं लगी। यहाँ पे आए बेड पे सोए, उसके बाद हाथ पैर सब वो आपको लगी है सिर्फ, क्योंकि पीछे सोए थे तो इसी वजह से। चिकू की पूरी बॉडी बहुत पेन हुई थी दो दिन तक, फिर दवाइयाँ लेके रेस्ट किया, एक दिन पूरा दिन रेस्ट किया है, एक दिन फिर मसाज ली, फुल बॉडी मसाज, और फिर रिलैक्स एकदम, फिर सही हो गया। और शिबा दीदी और ये लोग भी, यानी सब जने अलग होके इतना एक दूसरे को याद कर रहे थे, इतनी एक दूसरे की याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। यानी फैमिली के साथ ट्रिप करने चाहिए, और फैमिली के साथ ट्रिप करने का मज़ा नेक्स्ट लेवल है। अकेले घूमना मुझे तो नहीं लगता है अकेले घूमने में इतना मज़ा है, आपका क्या कहना है? फैमिली के साथ मज़ा आता है। खीर बना वक्त रबड़ी रबड़ी ना के जय जी सब ना के
चिकू तो गए शॉप पे और अभी आप भी देख सकते हो रूम थोड़ा हो गया चेंज। कल ही मैंने पूरी साफ सफाई की, ये बिस्तर यहाँ नीचे लगाया था क्योंकि हम शिबादी और हम सब यहाँ ही पर सोए थे इसीलिए। और कल मैंने व्लॉग किया था बट कल क्या हुआ ना कि जो मेरे कैमरे में थोड़ी सेटिंग चिकू ने चेंज की थी उससे कलर सही नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा फिर चिकू ने कहा छोड़ो कल का व्लॉग नहीं डालते हैं। और आज फिर वापस से व्लॉग कर रही हूँ तो आपको दिखा रही हूँ कि कल रूम में सारी साफ़ सफाई की थी तो सारा सही हो गया है। मेरे को काफ़ी सही लग रहा है ये सेटअप। अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए, नहा के फिर करनी है मुझे पूजा और मम्मी बना रहे हैं खीर, तो तब तक मैं मेरा काम कर लेती हूँ। नहा कर रेडी, पूजा भी हो गई है और मेरा तैयार होना बाकी है, पर अभी मैं बना रही हूँ खाना और खाने में आज बन रहा है ये खीर जो कि मम्मी बना रहे हैं। सब दाल भी मम्मी फ्राई कर रहे हैं, मैंने सिर्फ प्याज और टमाटर सब कट करके रख दिया। मैं अभी पूड़ी का आटा बांध रही हूँ, ये यहाँ पर आटा छान के रख दिया है। पीछे पीछे सफाई भी चल रही है और सब्जी भी आ गई है, तो सब्जी एक बार पूड़ी का आटा बांध देती हूँ फिर सब्जी कट करती हूँ। एक तरफ ये चावल बन रहे हैं, दाल का फ्राई हो रही है, ये दाल बॉईल हो गई है, ये खीर बन गई है। यहाँ पे मैं खीर का मसाला खीर में के अंदर थोड़ी सी लेकर घोल रही हूँ क्योंकि फिर गांठें रह जाती है, फिर मुँह में आता अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर बनाएंगे हम पूड़ियाँ। ये हमारा खाना यहाँ लग चुका है, अभी सब औरतों का टाइम आया है तो खाना खाने के लिए हम बैठे थक गए बेचारे, मेहमानों से भी हम काम कराते हैं। कैसा लगता है काम करके? खाना खाने के बाद तो सबको ऐसी नींद आई कि बेहोश हो रहे हो ऐसी। थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट किया और इन बच्चों ने क्या पूरी दोपहर सोने दिया है तुमने, पूरी दोपहर पाड़ा मस्ती कर करके उठा है। सबसे ज़्यादा ये हिया चिल्लाई आज तो, सबसे ज़्यादा हिया ने चिल्ला चिल्ला के उठाया है सब जनों को। इतनी क्यों चिल्लाई है ये हिया, और इसने भी बड़ी मस्ती की, ये अभी चालू ही है मस्ती, ये पैरों से मस्ती है चालू ही है। बस सोने नहीं देना है किसी को भी, रेस्ट किसी को भी नहीं करने देना है, बस पाड़ा मस्ती करनी है। ये इन मैडम ने भी बहुत परेशान किया आज। हाँ, और इन सर ने भी ना, इन सर ने तो कुछ भी नहीं किया बेचारे, इनकी बातें यानी बहुत जबरदस्त की बातें हैं, बहुत परेशान कर रहे कब से। शिबा दीदी अभी उठे हैं, हम दोनों सो गए थे, मैं थोड़ी देर सोई, क्या पता किसी का फोन आया, रॉन्ग नंबर उठा दिया, नींद खराब की मेरी फालतू काम की। 15 मिनट सोई थी मैं, सिर्फ 15 मिनट सोई थी ना, और नींद उड़ा दी किसी ने फोन करके, अब कौन था क्या पता। तो गुस्सा है मेरे को, मुँह धो के आ गई है वापस, अच्छी लग रही हो वैसे तो। नहीं तो पूरा दिन मेकअप ही कर रही है क्या, मुँह धोएगी, पूरे मुँह पे लिप बाम लगाई है, जरा तेरा मुँह पास में से दिखा ले इसका मुंह, अब गौर से देखो पूरे मुंह पे लिप बम लगाई है इसने। अरे कल व्लॉग देखेंगे भाई, मैं आई हूं ना, बच्चा है भाई, क्या बोल रही हूं मैं, ये बुच्छे देख कितने बालों है। आप तो ऐसे नहीं रोती हैं, आप तो ऐसे एक बार उठ जा, चुप रह, देखा भी नहीं रोते हैं, और जानी ही अरे मोर भी नहीं सुनी पूर्वी है, नहीं पूर्वी हूँ मैं कर देखती इसको बोले ना बाबा मुझे मारे इसको बोलो ना मैं से कैसी महसूस होता है मेरे को तुझे पता मैंने ऐसे नहीं बोला था एक लाइन बोल गया क्रमांक कैसा रहता है क्रमांक भी बता उसका सब बच्चों की बचकानी बातें सुन के मजे ले रही हूँ सब बच्चों के साथ मस्ती करने के बाद अब शिबा दीदी और ये लोग जा रहे हैं 6 बज चुकी हैं और शिबा दीदी अभी चाय पी के अंदर किचन में गए जा रहे हैं बस फाइनल हाँ इतनी देर रहना था कल पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए शिबा दीदी कल आए थे उससे तो कल कितने बजे आए थे लेट आए थे 7:30 गाड़ी तो जिया जिन ठेठ बाहर निकाल दी है शिबा दीदी भी वहाँ गए हैं अभी पूर्वी अंदर है वॉशरूम जा गई है वापस कोई दिखेगा नहीं ए करके रोना चालू हो जाएगी आज तो पूरे व्लॉग में ए ही हुआ है
चल मम्मी शिपाजी निकलेगी, जा रही हो पूर्वी? तो रोना क्यों पड़े, मम्मी तेरा वेट ही कर रही है वहां जाके। शिबादी जा रहे पापा? हाँ चिकू चिप्स वो ग्रीन वाली कौन सी पूर्वी खाती है वो दिला दो, वो रो रही है। ध्वनि भी बोल रही है जेजी रुक जाओ फालतू काम के, जेजी निकल रहे हो, बारिश का भी मौसम हो गया है, पकौड़ी खिलाएंगे। हाँ पर कल सुबह निकल। चिकू यार जिया जी को मैगी भी नहीं खिलाएंगे, जिया जी जा रहे हैं। पटे कल जाना है के? अभी बच्चे भी के। तो शिवाजी और जिया जी का जाना हो गया कैंसल, बिल्कुल पचके कर दिए इनके, हमने गाड़ी में बैठे हुए इनको उतार दिए। पाँच के कर दिए आपने इसके। पापा पापा मेरे पाँच के हो गए, रो रहे। कोई नहीं, हेवी खाना बनाना। क्या खाना है बताओ, पनीर चिल्ली बनाएंगे? पनीर चिल्ली का हेवी है। तो हिमायरा मैडम मेरे साथ हो गई है, हाय कर दो हिमायरू। हाय। इधर देख के। हाय। चप्पल पहने नहीं बैठे है ना आपने, वो चाचा गई शॉप पे। शॉप पे अंदर तो डिसाइड हुआ है कि हम बना रहे हैं पनीर चिल्ली, तो पनीर चिल्ली के लिए आ गया है पनीर चॉप्ड किया हुआ ही है, तो इसको ओनली फॉर हमको थोड़ी देर गर्म पानी में डिप करना है क्योंकि सारे कड़क कड़क हो गए पनीर, इसलिए तो मैं पनीर चिल्ली की कर देती हूँ कंप्लीट तैयारी। तो पनीर चिल्ली अब बन रही है फाइनली। बहन को कुछ नहीं आता, फालतू तुम्हारा आता है पर मुझे मेरे किचन में ही समझ में आता है। मजाक कर रही है यार, सीरियस हो गई सी बात। नहीं सीरियस नहीं, मुझे अपने किचन में समझ में आता है सच में। सबको यही है। और पनीर हो गया है ख़त्म पूरा, ये भर के तला था, और अभी मेरा मम्मी और शिवा दीदी का और पापा सतीश जिया जी का सबका खाना बाकी है, अभी इतना ही पनीर बाकी है, तो चिकू भी लेने जा रहे हैं, वापस से तलना पड़ेगा पनीर, अभी चिकू को कंप्लीट करके फिर वो लेने जाएंगे। शिवाजी को सिखा दिया, शिवाजी बना दी, शिवाजी को सिखा दिया, शिवाजी बना दी क्या पनीर चिल्ली? तो शिवा सीख गई कंप्लीट? नहीं मुझे आती ना बनाना। आती आती तेरे कहाँ सीखी, कुछ नहीं कुछ से ही? हाँ 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 कुछ से ही। और तुम यूट्यूब जैसे आप मुझसे सीख रहे हो। 9:30 हो गई है और अब तक पनीर चिल्ली बन रही है। क्या हुआ मिट्टू को? मिट्टू को क्या हुआ, क्या हुआ? इतना मच्छी क्यों कर रहा है, इतना मच्छी क्यों कर रहा है? अच्छा चलो यहाँ पे बैठ जाओ। इधर आ जा मिट्टू, इधर आ जा, इधर आ। मैंने उतारा आज नीचे, पहली बार उतरे नीचे। आ जा इधर आ जा।
इधर आजा इधर आजा 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 चलो आजो चलो आजो आजो इधर इधर आजो आपको तो नहीं खरगोश है अच्छा पहली बार हाथ पे आया है पहली बार हाथ में आया है नहीं आ रही हो सड़ी हो कौन सी चले मिट्टू आ जाओ तो क्या करना है क्या नहीं खाना इसका शेक बनाना है अरे शिबा इसका शेक बनाना है यूं कह रही है शेक बनाना है इसका बन चलेगा हाँ चलेगा चलो ना इट मूवी देख ले रही वो आईटी आईटी जो भी है ये रही आईटी लो देख लेते ना मत रिकॉर्ड क्या करोगे मेरे को लो लो जोरदार गया नेटवर्क शाबाश आगे बढ़ेगा तू टेक्निक है ये फोन लेने की अभी हम सब जनों की हो रही है फैमिली वॉकिंग और सब जनों ने पनीर चिल्ली बहुत लेट खाई है उसी वजह से चाबी लोग थाने गाइस डीपी गोल 20 याद है ना याद है चालू कुछ नहीं होता चलो कमेंट कर देना डीपी गोल 20 इसके लिए तो खुश है क्या डीपी गोल 20 कमेंट कर रहा कैसे क्या होगा ये पकोड़े खाने जा रहा है ये बाहर मस्त वॉक करके आ गए और कंप्लीट पनीर चिल्ली को अच्छे से पचा लिया है और सब जनों ने साथ में वॉक की बहुत ज़्यादा मज़ा आया और आज इतने टाइम से आप ट्रैवल व्लॉग देख रहे थे आज आपने हमारी फैमिली वॉक भी देखी होगी क्योंकि सब जने वॉक कर रहे थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे ना खाने में इसलिए बच्चे भी फिर बाद में लेके आए थे बच्चों ने भी वॉक की और यहीं पर कर देती हूँ मैं अब व्लॉग का एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि वॉक बहुत ज़्यादा हो गई है अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में ओके बाय